अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने प्रोटोटाइप बनाया था या प्रोटोटाइप किया था, उसके बिल्कुल बेसिक सा हमने बस लिंक किए थे। लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रोटोटाइप देखेंगे कि आप जो लिंकिंग है वो डिफरेंट स्टेट्स को भी आप लिंक कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको एनिमेट कर सकते हैं, वॉइस से आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि एडवांस प्रोटोटाइप किस तरह से किए जाते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो बेसिक प्रोटोटाइप होता है, पहली बात प्रोटोटाइप क्या होता है वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, जो प्रीवियस वीडियो हमारी थी। फिर मैंने कुछ बेसिक प्रोटोटाइप्स आपको बताए थे कि टैप क्या होता है, टैप से किस तरह से प्रोटोटाइपिंग करते हैं, और होवर भी मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको, तो वो किस तरह से होता है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये ऊपर भी लिंक आ रहा है आपका, यहाँ जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर अब थोड़ा हम क्योंकि एडवांसमेंट पे बस इन सब चीज़ों को देखेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हम ये चीज़ें पढ़ें। तो यहाँ पर जब आप प्रोटोटाइप पे जाते हैं, तो प्रोटोटाइप में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हमने ट्रिगर्स लगाए थे बहुत सारे, तो जैसे एक ट्रिगर है तो यहाँ पे और भी 4-5 तरह के ट्रिगर्स मौजूद हैं, तो हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में हम प्रोटोटाइपिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैप था, टैप में वैसे प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा एक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे ट्रिगर लगा हुआ है, यानी एक प्रोटोटाइप लगा हुआ है, ये आपको दिखा रहा है टैप लगा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो ये हटाना है। रिमूव कैसे करते हैं, आप जस्ट क्लिक करेंगे इस लिंक पे और आप सिंपल कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं, या आप ऐसे क्लिक करके और ऐसे बाहर भी खींच सकते हैं तो भी लिंक हट जाएगा। सो मैं इसको दोबारा से लिंक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस बटन पे, जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट का बटन है, ये वैसे ग्रुप में है तो आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा, और जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। फिर दोबारा डबल क्लिक करूँगा किसी कॉम्पोनेंट पर तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो मैं ड्रैग करता हूँ और मैंने यहाँ से जाके सिंपल इसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, कभी ऐसा हो अगर कि आपकी स्क्रीन बहुत दूर है, जैसे ये तो मेरे सामने स्क्रीन पे आ रही, हो सकता है जो जिस स्क्रीन से मुझे लिंक करना है वो कहीं इस जगह पे रखी हुई, क्योंकि ऐप्स हैं तो उसकी 10-10 20-20 50-50 स्क्रीन भी बनती हैं एक एक ऐप की, तो यहाँ पर तो हमारे सामने। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपको कि वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको उसकी स्क्रीन का नाम याद होना चाहिए, उसका जो आर्टबोर्ड है उसका नाम आप याद रखेंगे, और यहाँ पे सिंपल आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से एक लिंक लग जाएगा। बेशक वो बराबर वाले स्क्रीन पे लगा है, बट आप यहाँ से जाके उसका जो डेस्टिनेशन है उसको चेंज कर सकते हो। सो मुझे इसका डेस्टिनेशन रखना है डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो भी आप इस तरह से टैप करके लिंक लगा सकते हैं। टैप किस तरह से यूज़ होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। टैप की जो हैसियत है, यानी टैप का जो ट्रिगर है, वो उसका मतलब है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो जब आप अपने थंब को या फिंगर को टच करते हो फ़ोन पे, तो वो जो एक्शन होता है, वो जो ट्रिगर होता है, यानी आपका टच करना जो है वो टैप कहलाता है, वो ट्रिगर होता है। और अगर कंप्यूटर पे आप वो चीज़ देख रहे हो तो जो आपका क्लिक होता है वो टैप वाली हैसियत रख। सो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको टैप कैसे काम करता है, तो मैं आगे क्लिक करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट में क्लिक करता हूँ, ये एक्शन चलेगा क्लिक करने पर, तो क्लिक करने पे आपके पास ये वाली स्क्रीन, डॉक्टर अपॉइंटमेंट वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सो बैक किया मैंने और इसको बंद कर दिया। ऐसे ही हमने जो बेसिक लिंक थे टैप वाले, वो हम पहले लगा चुके हैं। आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करके एक एक स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ लिंक हुई हुई, जो नहीं लिंक हुई हुई आप उसको फिर बाद में लिंक कर सकते। तो सेकेंड हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिखा रहा था वो था ड्रैग। सो ड्रैग्स क्या चीज़ होती है, जैसे आप बहुत सारी एप्लीकेशन में देखते हो वहाँ लिखा होता है कि ड्रैग करें दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, ड्रैग करें कोई फीचर ओपन करने के लिए, तो ऐसे ही आप ड्रैग का जो फीचर है वो अपने प्रोटोटाइप में दिखाना चाहते हो। तो मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, मैं स्प्लैश सामने आएगी, अभी तो स्प्लैश जो थी हमारी वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर दूसरे स्क्रीन पे जा रही है, बट मैं नहीं चाहता कि वो दूसरे स्क्रीन पे ऐसे ही चली जाए, जैसे 3 सेकंड बाद खुद चली गई। मैं चाहता हूँ जब तक यूज़र ड्रैग करे तो जानी चाहिए वो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाकर इसका सबसे पहले तो
अभी खैर हम पहले एक चीज मुझे डिजाइन करनी है, वो मैं यहाँ पे जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ। सो अब ये 3 सेकेंड बाद खुद चेंज हो रही है, बट मैं ये एक्शन हटाना चाहता हूँ। ये एक्शन टाइम पे लगा हुआ था, तो हमें अब क्या करना है, हमें ड्रैग पे करना है। अच्छा, ये जितने भी चीज़ें मैंने बनाई हैं इस पीछे को छोड़ के, सो मैं चाहता हूँ ये ग्रुप हो जाए, तो मैंने इसको ग्रुप कर लिया। और अब हम चलते हैं प्रोटोटाइप पे, क्योंकि हमें दूसरा ट्रिगर देखना है। तो एक ट्रिगर यहाँ लगा हुआ है टाइम का। टाइम क्या करता है कि आपका ऑटोमेटिकली ना कुछ डिले के बाद आपकी स्क्रीन चेंज कर देगा, या जो भी आपने ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है वो काम कर देगा। तो मैं टाइम नहीं, मैं कहता हूँ ये ड्रैग पे चलना चाहिए। अच्छा, ड्रैग पे हमें स्क्रीन को ड्रैग नहीं करना चाहते, तो ये गलत है। यहाँ नहीं, हमें ड्रैग लगाना है इसके ऊपर। सो मैं कहता हूँ इस पर क्लिक करो और इसके साथ इसको लिंक करवा दो, लेकिन इस पर क्लिक करके नहीं, इस पर ड्रैग करके। ड्रैग मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हो गया। सो हमने सेलेक्ट किया ड्रैग, और यहाँ पे कह रहा है ऑटो एनिमेट। और कौन सी स्क्रीन, ये डेस्टिनेशन बताई हुई कि बराबर वाली स्क्रीन या जो भी स्क्रीन है आप उसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ से हम इसको दे देते हैं ईज आउट। जब भी कोई चीज़ इन करनी है तो आप उस पर ईज आउट लगाओ। ओके, सो अब जब मैंने इसको ड्रैग इस पर लगा दिया, अब हम चेक करते हैं इसको। तो चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस तरह से, यानी मैं लेफ़्ट पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये ड्रैग नहीं कर रहा, क्योंकि एडोबी एक्सडी के कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो ड्रैग चल रहा है। तो उसके फीचर में क्या है कि आपकी स्क्रीन जिस तरफ है आप उस तरफ ड्रैग करो। तो देखें, बराबर में स्क्रीन है, मैंने जैसे ही ड्रैग की तो देखें ऑटो एनिमेट काम कर रहा है। इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो स्क्रीन आ रही है, और वापस से ड्रैग कर रहा हूँ तो आपकी वापस से दूसरी स्क्रीन आ रही है। बेसिकली ये फंक्शन जैसे आप ऑन ऑफ के जो बटन्स होते हैं वो बनाने के लिए बनाया गया। जैसे यहाँ पर हम लेकर आते हैं, तो ये जैसे ये अलार्म का बटन है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे अगर रखना चाहते हैं। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस अपना जो एरो है वो हम ठीक कर लेते हैं। मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ और सही मेक श्योर कि ये जो आप स्क्रीन बना रहे हैं ये एक एक्चुअल ऐप नहीं है, ये आपका जो डेवलपर है वो उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, सो अब हम जाके चेक करते हैं कि सब सही चल रहा है। प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और हमने कहा स्लाइड टू कंटिन्यू, तो उधर हमने स्लाइड किया तो ये कंटिन्यू जाएगा। तो दिस फीचर यूज फॉर ड्रैगिंग, सो यहाँ पे आप ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने लिंक लगाया था सबमिट का, और यहाँ से सो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ट्रिगर है वो है टाइम का। टाइम मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आपके पास एक स्प्लैश स्क्रीन होती है, जैसे स्लाइड टू कंटिन्यू, अब मैं नहीं लगाना चाहता इसके ऊपर। सो मैं इसको अभी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये स्लाइड टू कंटिन्यू नहीं हो, और कुछ टाइम के बाद ये आपकी जो स्क्रीन है वो खुद चेंज हो जाए और दूसरी वाली स्क्रीन में कन्वर्ट हो, यानी दूसरी स्क्रीन आ जाए कुछ देर के बाद। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके हम यहाँ पर इसको इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और प्लस मुझे ड्रैग पे नहीं चलाना है इसको, मैं चाहता हूँ टाइम पे, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम के डिले के बाद। अगर फौरन चाहिए तो आप फौरन भी कर सकते हो, या कुछ डिले के बाद भी आप इसको ला सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ 3 सेकेंड के बाद ये स्क्रीन हमें नज़र आए। अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 सेकेंड के बाद आपकी स्क्रीन चेंज हो रही है। इस टाइम का जो फीचर है इसका जस्ट इतना ही काम नहीं है, आप कुछ एनिमेट करना चाहते हो तो वो भी आप इससे कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बेसिक सी एनिमेशन। मैं स्प्लैश स्क्रीन को ही हम एनिमेट कर ले। देखें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मैंने अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे रखे हुए हैं। अब सपोज मैं जाता हूँ और डिज़ाइन मोड पर, ये मेरी फाइनल स्प्लैश है, ठीक है, सॉरी इसको मैंने कॉपी किया, मैं इसकी एक एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और एक तीसरी स्क्रीन कॉपी कर, ठीक है। अब मैं प्रोटोटाइप में जाके दिखूंगा, होम मेरा ये है। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो पहली स्क्रीन हो, डिज़ाइन पे मैं गया और ये सब चीज़ें देखें मैं इधर उधर कर देता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि जो डॉकमाइंडर का लोगो है वो बहुत छोटा सा हो और इसकी ओपेसिटी ना होने के बराबर, ठीक है। फिर वही लोगो सेम। अच्छा, एनिमेट करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉम्पोनेंट वहाँ यूज़ हो रहे थे वही दूसरी स्क्रीन पर भी यूज़ होते हैं। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ ऐसे, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी मैं नीचे ले आया और इसको भी मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब पूरी स्क्रीन खाली होगी। अब मैं चाहता हूँ पहले ये वाला जो लोगो है ये आना चाहिए,
और प्लस ये वाले लोगों भी आ जाए, तो ये दो चीज़ें मैं अभी बाहर ही रखता हूँ। दोनों को उठाया और ऐसे बाहर ही रखा जैसे ऊपर वाली स्क्रीन में हमने रखा हुआ है, ठीक है। सो लोगो अपनी जगह आ जाएगा और देन फिर तीसरी स्क्रीन में मैं इसको ऊपर ले आया। अब अगर आप अभी इसको यूज़ करके देखेंगे, इसको चलाएंगे हम, तो कुछ भी नहीं होगा। एक स्क्रीन है, नेक्स्ट आपकी ये स्क्रीन आ रही है, प्रीवियस स्क्रीन। अब मैं करना चाहता हूँ एनिमेट। एनिमेट कैसे करेंगे, देखें ये स्क्रीन है, इसमें सारे वही कंपोनेंट्स हैं। कुछ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, जैसे ये एक पड़ा हुआ है कंपोनेंट, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ कुछ यहाँ से ऐसे, ठीक। आपके जो भी स्क्रीन है उसको पता हो कि मेरा कंपोनेंट कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा इसका पार्ट जो है इस कंपोनेंट पे रख देते हैं, इस स्क्रीन पे रख लेते हैं थोड़ा सा जस्ट, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एनिमेट करे, सो हम प्रोटोटाइप में जाएंगे और मैंने चेक किया इसको इसके साथ लिंक किया कि पहले इसके बाद ये स्क्रीन आए और फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 0.25, यानी 0.25 सेकेंड ले ये स्क्रीन ऐसी बनने में, फिर 0.25 दोबारा से टाइम ले, ये अभी भी 3 सेकेंड है, तो इसको मैंने 0.25 कर दिया। और यहाँ से अब ये स्क्रीन जो है इसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, बट लेट अस चेक। सो मैं इस स्क्रीन पे जाता हूँ और मैं प्ले करता हूँ, तो ये बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, तो क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा कम रह रहा है तो हम 1 सेकेंड कर देते हैं। 1 सेकेंड में ये ऐसी बन जाएगी स्क्रीन, और फिर 1 सेकेंड में ये स्क्रीन ऐसी बन जाएगी। अब आपको थोड़ा नज़र आएगी, मुझे तो नज़र आ गया कि एनिमेट हो रहा है, सही हो रहा है। आपको इस वीडियो में देखने के लिए ये स्क्रीन आई, एनिमेट और फिर ये एनिमेट। तो इस तरह से जो एनिमेशन है ये क्या हो रहा है, ये एनिमेट नहीं कर रहे, बेसिकली आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन चेंज हो रहे हैं और एक स्क्रीन दिखा रहे फिर दूसरी स्क्रीन दिखा रहा, तो ऐसा आपको लगता है कि वो एनिमेट कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी आप करके दिखा सकते। फिर मैं चाहता हूँ 3 सेकेंड के बाद ये वाली सबमिट वाली स्क्रीन आ जाए, तो यहाँ पर हम जाएंगे और इस वाली स्क्रीन को हमने पर लॉगिन वाली स्क्रीन से हमने कनेक्ट कर दिया। अब एक बार फिर से हम चेक करते हैं ये टाइम का जो फंक्शन है वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले से स्क्रीन को सिलेक्ट किया, प्ले करवाया, एनिमेट होगा और खुद ही स्क्रीन आ जाएगी। हमने ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं दिया हुआ क्योंकि इस वाले प्रोटोटाइप को, तो अच्छा ये अभी भी 1 सेकेंड ही होगा, तो मैं इसको 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन कर लिया और थोड़ा डिले देते हैं ताकि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कोई पढ़ सके, कोई लोगो शोगो आपने लगाया तो क्या लोगो है, कभी ऐसा होता है डेवलपर एजेंसी जो होती है जो सॉफ्टवेयर हाउस होता है उसका लोगो लगा होता है तो कोई पढ़ सके उसको। सो ये हमारे पास है तीसरा ट्रिगर जो कि है टाइम, और उसको आप एनिमेट करवा सकते हो, एनिमेशन में यूज कर सकते हो। सो थर्ड ट्रिगर हमारे पास यहाँ पे है की या गेम पैड। तो की अगर कोई आप असाइन करना चाहते हो की, क्योंकि आपके पास होती है कीबोर्ड में, क्योंकि इससे वेबसाइट जो बनती है, तो अगर आप चाहते हो कि स्लाइड के बटन स्लाइड हो वेबसाइट डाउन एरो से, तो इस तरह के अगर कोई ट्रिगर, जैसे यहाँ पे ये ऐड का बटन है, तो मैं कीबोर्ड में जो ऐड का बटन होता है प्लस का, उससे मैं कुछ उसको देना चाहता हूँ। अब इसके लिए मैंने ओवरले बनाया नहीं है बट मैं बना लेता हूँ। तो ओवरले बनाने के लिए, ओवरले क्या मतलब है मेरा यहाँ पर आपसे, के जो भी अगर जैसे ये मेडिसिन रिमाइंडर है, सही, अब मुझे एक और मेडिसिन ऐड करनी है इस लिस्ट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऐड करवाऊँगा ताकि वो उस मेडिसिन का भी टाइम कब खानी है और जो है वो क्या नाम है उस मेडिसिन का, तो वो जो है यहाँ से ऐड करना है। अब उसके लिए मैंने कोई स्क्रीन नहीं बनाई, बेसिकली मुझे एक सिंपल फॉर्म ही बनाना है, तो वो मैं आपके सामने ही बनाना चाहता था, तो इसलिए वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। तो मैं यहाँ पे इस स्क्रीन के, वो इससे मिलता जुलता कुछ होगा, तो हम डिज़ाइन में जाते हैं, मैं क्विकली वो फॉर्म जो होगा वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैं सिंपल इसको ऑल्ट प्रेस करके मैंने नीचे कॉपी किया और इसका नाम मैंने रख दिया ऐड मैड रिमाइंड, ठीक है। अब इसको मैं ओवरले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखना चाहता हूँ। ओवरले क्या होगा, मैं बार बार ओवरले कह रहा हूँ आपको, मैं भी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आप बहुत सारी एप्स यूज करते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि ये ओवरले है।
सो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मुझे सेट करना है इसको। यहाँ मैंने लिख दिया न्यू मेडिसन इंफॉर्मेशन। अच्छा मेडिसन थोड़ा बड़ा हो रहा तो मैं इसको कर देता हूँ डोज, और ऊपर हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पर ठीक है। बैक नहीं चाहिए मुझे इस वाली स्क्रीन में, और ये हमारे कुछ फॉर्म्स हैं तो यही फॉर्म मैं अभी ले लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन की कोई पिक्चर आपको लगानी है तो, अच्छा ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया, और ये लाइन भी मुझे नहीं ऐड करनी है। और मैं चाहता हूँ कि ना वो जो मेडिसिन है किसी को नाम नहीं पता तो उसकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ लगा सके, तो उसके लिए मैंने एक सर्किल बना दिया कि जो भी मेडिसिन है उसकी कोई पिक्चर लगा सके। तो बुरा सा लग रहा है कलर, सही। और कैमरे का आइकन चाहिए तो हमने प्लग इन आइकन डिज़ाइन, यहाँ पे कैमरा, इसका साइज बढ़ाया, इसको मैं फिल पे जाके थोड़ा कम कर दिया, बॉर्डर हटा दिया। ओके तो बेसिकली देखें ओवरले क्या होता है, ओवरले होता है स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है, जब आप एप्लीकेशन में जब टैप करते हो या क्लिक करते हो तो वो जो जो भी नया फॉर्म या जो भी चीज़ होती है वो आपकी उसी स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। जैसे आपके पास कोई मेन्यू होता है आप क्लिक करते हो तो साइड से मेन्यू बाहर आ जाता है, तो ऐसा अगर कुछ मुझे करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ओवरले बना रहा हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ वो ना स्क्रीन के या नीचे, आप आजकल जो है वो एक मॉडर्न स्टाइल चल रहा है कि जो भी आप ओवरले करते हो, जैसे आप जो न्यू एंड्रॉयड फोन्स हैं उसमें आप शेयर करते हो किसी इमेज को या कोई स्क्रीनशॉट होता है उसको शेयर करते हो तो नीचे से एक कार्ड निकल के आ जाता है, तो मैं कुछ वैसा कार्ड की शक्ल इसको देना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देना चाहता, इस सर्किल का साइज छोटा कर देते हैं, इसको सेंटर में कर लिया मैंने सेंटर लाइन। सो इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर इसको रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ये अच्छा इंटरफेस नहीं लग रहा मुझे तो मैं इसको बराबर में रख लेता हूँ, और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम लिख लेते हैं, सही है। अच्छा इसके फील्ड्स पे मत जाइएगा, ये मैं बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे दवाई का नाम आएगा, यहाँ पे कब खानी है और कितनी खानी है या जो भी इंफॉर्मेशन। अच्छा इसके पीछे मुझे एक बॉक्स भी देना है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक बॉक्स, ठीक है कुछ इतना काफ़ी है, और बॉर्डर्स हटा दिए। और अच्छा अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको कलर दे रहा हूँ कि मैं डब्बा बना कैसे रहा हूँ। मैं चार अलग अलग बॉर्डर्स, जो पहला वाला बॉर्डर होता है वो टॉप लेफ्ट वाले कॉर्नर का होता है तो मैं इसको देता हूँ 30, और चेक किया इसको ये थोड़ा कम है तो मैं दे देता हूँ उसको 50, बेहतर है। दूसरा वाला बॉर्डर होता है इस जगह का ही, आपको सॉरी XD बता भी रहा है कि कौन सा वाला बॉर्डर किस साइड पे जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल बैक पे। बैक पे ले जाने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और सेंड टू बैक, और कलर बहुत अजीब सा लग रहा है इसका। सो मैं यहाँ से जाके हमारे कलर्स हैं यहाँ, और इसको मैंने कर लिया ऑरेंज ऑरेंज, इसके मुताबिक हम अपने इंटरफेस को चेंज कर ले। सो ये मेरे पास ओवरले, मैं चाहता हूँ कि जब मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो इस स्क्रीन के ऊपर ही, इस स्क्रीन के रहते हुए ही ये जो न्यू डोज डिटेल्स का जो ओवरले बॉक्स होगा वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोटोटाइप में वापस जाता हूँ, प्रोटोटाइप में हम वापस जाएंगे और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैं कहता हूँ ये वाली स्क्रीन नजर आए, सही है। अब स्क्रीन तो हमें नजर आएगी टैप पे, सही आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैप लिखा हुआ है, टैप यानी उस पर क्लिक करके नजर आएगी, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ, अच्छा एक और एक्शन भी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टैप पर तो आए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दोबारा से कि एक और एक्शन भी मैं इसको देना चाहता हूँ, और वो एक्शन क्या होगा, कीज एंड गेम पैड। अगर ये ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा हो तो आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने दो एक्शन इसको दे दिया, और इस पे जाके भी मैं कहता हूँ कि यही ओपन होना चाहिए, सही है। अच्छा या आप एक और एक्शन मेरे दिमाग में भी आया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको एक्शन मैंने दे दिया होवर का, तीन एक्शन लगा दी। अब होवर पे क्या होगा, होवर पे मैं चाहता हूँ, मैंने इसकी एक दो स्टेट्स बनाई है, एक नॉर्मल और एक होवर। तो होवर पे इसका कलर शायद मैंने ग्रीन किया हुआ है, अगर आप देखें ये ग्रीन है और ये रेड, ये जो भी ऑरेंज कलर है हमारा वो। तो मैं कहता हूँ कि जो होवर वाली स्टेट है ना इसकी, मैंने क्लिक किया और होवर वाली स्टेट है, होवर वाली स्टेट में कौन सा डेस्टिनेशन आपको देना है, मैंने कहा कि होवर स्टेट दे दो। बाकी की जो दो स्टेट्स हैं
उस पे हमने एक जो स्क्रीन है वो असाइन की हुई है, बट अब वो जो स्क्रीन है वो मुझे कैसे चाहिए, वो ऑटो एनिमेट मुझे नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे वो ओवरले फॉर्म में चाहिए। अब जब आप ओवरले फॉर्म में उसको दोगे तो वो पूरी उस स्क्रीन का साइज उठाएगा, ये उसने जो भी हमारी इस वाले स्क्रीन का या आर्टबोर्ड का साइज था वो पूरा उठा के ग्रीन बार में आपको दिखा रहा है। सही, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब आपने अगर ये स्क्रीन में बीच में बना दो तो ऐसे उठा के आप इस ग्रीन को, अब ये देखिए मैं मुझे दिखा रहा है कि स्क्रीन यहाँ आएगी, मैं ड्रैग कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब कैसे आनी चाहिए, आप वहाँ वो यहाँ से डेस्टिनेशन आ गई, एनिमेशन भी आप इसको दे सकते हो, मैंने कहा कि स्लाइड अप करके आए ऊपर की तरफ आए। सेम इसी तरह से मैं गेम कीज एंड गेम पैड पर जाता हूँ, मैंने स्क्रीन सही बताई हुई बट यहाँ पे अभी भी ऑटो एनिमेट हुआ हुआ है और मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ ओवरले। सही है, ओवरले की सेम मुझे सब कुछ देना है, स्लाइड अप, देखते हैं कैसा आता है। सो मैं इस स्क्रीन को प्ले करता हूँ और हम यहाँ पे प्ले ओके करते हैं, देखें इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ठीक है, और इस पर क्लिक करने से वापस भी जा रही है। तो और मैंने प्लस की जो की थी, अच्छा गेम पैड में मैंने कोई की नहीं बताई हुई तो इसलिए हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। सो गेम पैड एंड कीज़, और यहाँ पे जाके मैंने कहा जो प्लस होता है इसको जब आप प्रेस करें कोई भी यूज़र, तो अब क्योंकि फ़ोन में आप कोई की से नहीं चलाते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ होता है लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें कीबोर्ड नहीं होते। तो मैं जैसे ही यहाँ पे प्लस प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो यहाँ पर ही आपके पास स्क्रीन पे आ गया। इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ व्यू क्या बनेगा, वो जब लगेगा तो नज़र आएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे जाके जो बैकग्राउंड ब्लर है इसको मैंने एक्टिव कर दिया, ओपेसिटी बढ़ा दी, बिल्कुल 100 मत रखिएगा, ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ाई, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा आ रहा है। मैं इसको प्ले करता हूँ अगेन, और प्ले किया, यहाँ से ऐड करवाया, प्रोटोटाइप में जाएंगे, प्ले किया तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं हुआ क्योंकि हमने ओपेसिटी बहुत कम नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर भी ख़त्म नहीं करना है, तो इसलिए कुछ ऐसे आ रहा, ठीक है, बेहतर है। इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन का जो ओवरले फॉर्म होती है वो आप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो एक लास्ट एक्शन जो इसका ट्रिगर बचा है वो मैं आपको बता के और फिर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जो वॉइस का फीचर है वो इतना ज़्यादा आपको हर एक एप्लीकेशन में नज़र नहीं आता। सो जैसे ये मेरे पास सबमिट का बटन है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। सही, अब क्लिक करने पे ये एक और आपको ट्रिगर दे देगा। सो मैं कहता हूँ वॉइस पे। सही, अब वॉइस की कमांड क्या होगी, मैंने कहा कि सबमिट लॉगिन, ओके, ठीक है। और ये कह रहा है कि टाइप क्या होगी, ओवरले होगी, मैंने कहा नहीं मुझे ट्रांजिशन वाली टाइप चाहिए, और आर्टबोर्ड मैंने कहा कि ये बराबर वाला ही नहीं सॉरी होम वाला जो है वो आना चाहिए, तो होम पे मैं इसको ले जाता हूँ, ठीक है। अब चेक करने के लिए कि ये बटन चलता भी है कि नहीं, तो आपके फ़ोन में माइक कनेक्ट होता है। सो ये कह रहा है होल्ड डाउन द स्पेस बार वाइल स्पीकिंग टू वॉइस, सही है, क्योंकि मैं आपसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है जब आपको बोलना हो तो आप स्पेस बार प्रेस करो। तो मैंने यहाँ पर इसी स्क्रीन पर रहते हुए स्पेस बार दबाया और मैं कहता हूँ सबमिट लॉगिन, नो, अगेन एक कोशिश और करते हैं, सबमिट लॉगिन, ओह चल रहा है। सो इस तरह से आप जो है वो वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ऐप को, इसमें अगर आप दिखाना चाहो तो। सो इस तरह से आप जो टाइम है वो आप अप्लाई कर सकते हो। वॉइस का फीचर हमने देखा, गेम पैड या कीज़ के फीचर्स आपने देखे, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं जब आप एक एडवांस प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसकी शॉर्ट वीडियोस, ये एक डिटेल वीडियो थी एडवांस प्रोटोटाइप की, इसकी मैंने सोचा है कि छोटी छोटी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, डिफरेंट जो एप्स में फीचर्स होते हैं वो क्रिएट करने के लिए भी मैं इसकी इंशाल्लाह आगे बनाऊँगा। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। सो अगर समझ में नहीं आई कोई ऑप्शन, आपको समझ में नहीं आया, तो मेरी वीडियोस में चैप्टर होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी फीचर आपको पढ़ना है, आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो नीचे चैप्टर्स होते हैं, आप उन चैप्टर्स में जो टाइम लिखा होता है आप उस पर क्लिक करोगे तो भी आप वो जो स्पेसिफिक फीचर है वो आप सिर्फ वो एक ही फीचर अगर आपको सीखना है या मल्टीपल फीचर्स, तो आप वहाँ से जाके भी एक्सेस कर सकते हो
मेरी वीडियोस को। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि एडवांस प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, वीडियो समझ में नहीं आई या कुछ आप मुझे बताना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।